मसूड़ों को मजबूत रखने के लिए नए उपचार और तकनीक की जानकारी देने के उद्देश्य से इंडियन सोसाइटी ऑफ पैराडोंटोलॉजी द्वारा व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान में देश के जाने माने दंत चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। देखिए खास रिपोर्ट। इंडियन सोसाइटी ऑफ पैराडोंटोलॉजी व शासकीय कॉलेज डेंटिस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में व्याख्यान का आयोजन किया गया। दांतों व मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रखा जाए व दांतों में होने वाली सेंसिटिविटी को कम करने में कौन से उपचार कारगर होंगे, इस पर विषय विशेषज्ञों ने नए व प्रशिक्षु दंत चिकित्सकों को जानकारी दी। शासकीय दंत चिकित्सालय के प्राचार्य डॉक्टर देशराज जैन के अनुसार यह कार्यशाला पैराडोंटोलॉजी के क्षेत्र में काम करने वाले डॉक्टरों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थी। देखिए, ये प्रोफेसर अनिरव चटर्जी एंड एचएस ग्रोवर, प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ आईएसपी एंड गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें मसूड़े, दांत, हड्डी, जो पांच तत्व होते हैं जिनसे कि दांत सपोर्ट लेता है, उसके ऊपर एक कार्यशाला रखी थी। इसमें इन सब लोगों ने, बाहर से आए हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, उन्होंने इस बात पर हाईलाइट किया है कि किस तरह हम दांतों को बचा सकते हैं, दांतों की हेल्थ रख सकते हैं, मसूड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। और अभी जो एक समस्या चल रही है कि दांतों में ठंडा गर्म बहुत ज़्यादा लगता है लोगों को, ट्रीटमेंट के बाद भी लगता है, पहले भी लगता है, और कुछ चीज़ों से जैसा कि डिस्कस हुआ है कि हमारे यहाँ जो दंत मंजन वगैरह जो कोर्स होते हैं, जो मोटे होते हैं, उसके कारण दांत घिस जाते हैं और सेंसिटिविटी हो जाती है। उसके ऊपर सब लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सब लोगों ने बताया कि उसको किस तरह कंट्रोल करना, मरीज को किस तरह फ़ायदा पहुँचाना और मरीज उससे किस तरह संतुष्ट होना, इसके ऊपर सब ने अपने अपने विचार रखे। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की इस कार्यशाला से हमारे जो बडिंग पैराडोंटिस्ट हैं, जो प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हैं, उनको लाभ होगा और अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ के मरीज इससे लाभान्वित होंगे। और इस तरह की कार्यशालाएँ आयोजित होना चाहिए, होती रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी टीचिंग इंस्टीट्यूट का साइंटिफिक प्रोग्राम जो होता है वो बैकबोन होता है। तो किस तरह हेल्पफुल है ये वर्कशॉप जो आज हमने देखिए जी, पहले तो ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए डॉक्टर देशराज जैन का धन्यवाद। उन्होंने यहाँ इंदौर में मौका दिया इंडियन सोसाइटी ऑफ पैराडोंटोलॉजी को ये वर्कशॉप कंडक्ट करने के लिए। इस वर्कशॉप में 5 से 6 चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी दे रहे हैं, जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उनको भी, और जो जनरल डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं, यानी कि जिन्होंने पेरियो में स्पेशलाइज नहीं किया, वो भी किस तरह से जो है हमारी एक्सपर्ट एडवाइस से लाभ उठा सकते हैं, तो उसके बारे में है। और बहुत सारी कॉमन जो है समस्याएं हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का दिया जाना, उन एंटीबायोटिक्स से क्या नुकसान है, कब देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए, इस बारे में बातचीत होगी। दूसरा, जो हम पायरिया को प्रिवेंट करने के लिए घर पर क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे दांतों को लॉन्ग टर्म स्वस्थ रखें, उसमें कुछ ऐसे ही घरेलू उपचार हम लोग शेयर कर रहे हैं जो पेशेंट घर पे यूज़ करके भी उनका लाभ उठा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी शारीरिक बीमारियां जिनका संबंध पायरिया से जो है लगातार सिद्ध होता जा रहा है, उन बीमारियों की रोकथाम के लिए भी कैसे डेंटिस्ट कारगर साबित हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग आज इस कार्यशाला में बता रहे हैं। हरप्रीत सिंह ग्रोवर, मैं ऑनररी सेक्रेटरी हूँ इंडियन सोसाइटी ऑफ पैराडोंटोलॉजी का। व्याख्यान में बड़ी संख्या में दंत चिकित्सक व डेंटल कॉलेज के छात्र मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज टीवी इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात, एमपी न्यूज के साथ।